हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक सैमसंग का CRT टीवी रिपेयर करने के लिए आया हुआ है। देखिए, आपको इस वीडियो में आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा और इस वीडियो में आपको प्रॉब्लम भी दिखाऊंगा, चेक करके इसमें क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ इस वीडियो में आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा, आपको कैसे इसको टीवी को रिपेयर कर पाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, मैं आपको प्रॉब्लम चेक करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, टीवी में करंट दे दिया हूँ और देखिए टीवी अभी ऑन होगा। देखिए टीवी ऑन हो गया है। देखिए इसमें हाफ स्क्रीन आ रहा है। देखिए पिक्चर यहाँ पे चल रहा है, देख सकते हैं। देखिए नीचे में पिक्चर आ रहा है, ऊपर में पिक्चर नहीं आ रहा है। देखिए ब्लैक करके आ रहा है। तो देखिए यहाँ से नीचे पिक्चर दिखाई दे रहा है, ऊपर में नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं टीवी को खोल लिया हूँ, ओपन कर लिया हूँ। देखिए देखिए, मैं अच्छा से आपको दिखा देता हूँ और मैं आपको PCB को मैं बाहर निकालूँगा, बाहर निकाल के आपको अच्छा से दिखा देता हूँ। और देखिए, मैं बाहर निकाल लिया हूँ और इसको मैं उल्टा करके आपको दिखा देता हूँ। और देखिए, मैं PCB को उल्टा कर लिया हूँ। देखिए, और मैं आपको फटाफट से वोल्टेज चेक करके आपको दिखा देता हूँ। और देखिए, मैं मीटर को DC मोड पे सेट कर लिया हूँ और ये काले वाले को देखिए मैं ग्राउंड में लगा देता हूँ। देखिए ग्राउंड में लगा दिया हूँ और मैं आपको वर्टिकल IC का आपको वोल्टेज में चेक करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, देखिए यहाँ पे 14 वोल्ट बन रहा है प्लस सप्लाई। बीच वाले पे देखिए, यहाँ पे माइनस 13 वोल्ट बन रहा है। देखिए इस वाले पिन पे भी 15 वोल्ट बन रहा है। इस वाले पिन पे देखिए कोई सप्लाई नहीं बन रहा है। देखिए ये आगे वाला पिन पे देखिए, इस पे भी कोई सप्लाई नहीं बन रहा है। इस पे देखिए 12 वोल्ट बन रहा है, माइनस 12 वोल्ट बन रहा है। देखिए यहाँ पे 5.4 वोल्ट बन रहा है। तो आइए आपको शॉर्टिंग चेक करके मैं दिखाता हूँ, कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। देखिए कंटिन्यू मोड में मीटर को रख लिया हूँ। देखिए आपको शॉर्टिंग चेक करके दिखा रहा हूँ, कोई कंपोनेंट शॉर्ट तो नहीं है। देखिए इसको मैं ग्राउंड में रख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे पिन नंबर 1 को मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये शॉर्ट नहीं है। और पिन नंबर 1 देखिए, ये 1 नंबर पिन शॉर्ट नहीं है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। और पिन नंबर 7 देखिए, पिन नंबर 7 ये शॉर्टिंग दिखा रहा है, 174 ओम्स दिखा रहा है। देखिए ये शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो आगे मैं माइक्रोमैसी का पिन पे मैं चेक करके देखूंगा कि मेरा माइक्रोमैसी का पिन तो शॉर्ट नहीं है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ चेक करके। तो देखिए ये सबसे पहले मैं ट्रैक को देख लेता हूँ, ट्रैक कहाँ गया है। देखिए ये ट्रैक यहाँ पे आया हुआ है। देखिए यहाँ पे मीटर
का बीप साउंड आप सुन पा रहे होंगे। देखिए ट्रैक यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे देखिए एक जीनो डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए। तो इसको मैं चेक करके देख लेता हूँ। देखिए ये जीनो डायोड भी हमारा 174 ओम्स दिखा रहा है। देखिए ये जीनो डायोड दोनों तरफ से शॉर्ट दिखा रहा है, 174-175 ओम्स दिखा रहा है। देखिए तो इसको मैं आपको थोड़ा सा जूम करके मैं अच्छा से दिखा देता हूँ। देखिए देखिए यहाँ पे मार्क करके मैं आपको दिखा दिया हूँ। इसका पार्ट कोड देखिए DZ307। देखिए यहाँ पे पार्ट कोड आप देख सकते हैं, ये वाला जीना डायोड को मैं ओपन करके देखूंगा। इसको मैं दोस्तों ओपन करके मैं देखूंगा, जीना डायोड तो कहीं शॉर्ट नहीं है, शॉर्टिंग में चेक करके देखूंगा। तो आइए दोस्तों मैं जीना डायोड को ओपन कर लेता हूँ। देखिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, खोल लेता हूँ, खोल के आपको दिखा रहा हूँ, चेक करके। देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। देखिए जीना को मैं खोल लिया हूँ, आपको नंबर दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा जूम करके मैं नंबर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए यहाँ पे जीना का नंबर जो 9V1 9.1 वोल्ट का है ये जीना डायोड, तो मैं इसको दोस्तों रिप्लेस करके आपको दिखाता हूँ। देखिए इसको मैं रिप्लेस कर दिया हूँ, दूसरा जीना डायोड मैंने यहाँ पे लगा दिया हूँ 9.1 वोल्ट का, देख सकते हैं। देखिए आपको वोल्टेज अभी चेक करके मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे लगा दिया हूँ ये जीना डायोड, और आपको अभी वोल्टेज मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 15 वोल्ट बन रहा है, यहाँ पे देखिए -13 वोल्ट, यहाँ पे देखिए 14.5 वोल्ट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वोल्टेज कोई वोल्टेज नहीं बन रहा था जो कि 0.3 वोल्ट बन रहा है अभी। इस वाले पिन पे देखिए, इस वाले पिन पे भी 0.2 0.3 बन रहा है। यहाँ पे देखिए -11 वोल्ट बन रहा है, इस वाले पिन पे देखिए 0.3 बन रहा है जो कि कोई वोल्टेज नहीं बन रहा था यहाँ पे। तो आइए दोस्तों मैं सामने से दिखा देता हूँ। देखिए टीवी हमारा अभी चल रहा है, फुल स्क्रीन पिक्चर आ गया है, कोई डिस्टर्ब नहीं है, बिल्कुल ओके चल रहा है। देखिए तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑल कर दें। देखिए मैं चैनल आपको बदली करके दिखा देता हूँ। देखिए फुल स्क्रीन, कोई भी प्रॉब्लम अभी नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।